चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खंड है तूने ही सिखाया, सच्चाइयों का मतलब तेरे पास आके जाना, मैंने जिंदगी का मकसद नमस्कार आदाब खुशामदीद सत्यमेव जयते, आप सभी का एक बार फिर इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, और इसीलिए आज हमारी ऑडियंस में सिर्फ मर्द हैं जिनको प्रोटेक्टर्स यानी रक्षक माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधती है उसे अपना रक्षक मानकर। लड़की जब शादी करती है तो ये माना जाता है कि पति उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ इस वक्त हमारे सामने सब रक्षक बैठे हैं यानी बॉडीगार्ड्स बैठे हैं। हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए मुझे आपके हिसाब से वो कौन सी जगह है जहाँ पर औरतें महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं यानी अनसेफ हैं, आप बताइए। लोकल ट्रेन्स स्पेशली फर्स्ट क्लास ज्यादा अनसेफ रहती है। और कोई बताएगा मुझे? हाँ आप बताइए। रात के वक्त में जहाँ पे सबवे बना हुआ है अंडरग्राउंड सबवेज में। और आप बता रहे थे? हाँ कॉल सेंटर्स, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज लेट नाइट तक काम करते हैं जी। तो आप में से ज़्यादातर मर्दों का ये मानना है कि महिलाएं समाज में पब्लिक स्पेसेस में यानी घर के बाहर काम की जगह बसेस ट्रेन्स वगैरह ऐसी जगहों पर ज़्यादा असुरक्षित हैं। मेरा भी यही मानना था, फिर मैंने सोचा कि पता करते हैं कि ये बात कितनी सही है। अब जब किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है हिंसा होती है तो वो दो जगह जाती है, एक तो पुलिस स्टेशन और दूसरा हॉस्पिटल। बहुत सारी महिलाएं पुलिस स्टेशन नहीं जाती हैं लेकिन इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा अस्पताल से ही शुरू करते हैं। मैंने अपनी टीम से कहा कि मेरे घर के नज़दीक जो अस्पताल है बाबा हॉस्पिटल वहाँ जाके पता करें। वैसे मुंबई तो औरतों के लिए खासा सुरक्षित शहर माना जाता है, उस पर बांद्रा जैसा इलाका तो और भी सुरक्षित माना जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि बांद्रा वो जगह है जहाँ तीनों खान रहते हैं, एक दिलवाला है, एक रंगीला है और एक तो बॉडीगार्ड है। यकीनन ये जगह तो औरतों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि क्या सामने आया। मुंबई के भाभा हॉस्पिटल का कैजुअल्टी वार्ड। हर हॉस्पिटल की तरह यहां पर भी अनेक घायल आते हैं। इन घायल मरीजों में महिलाओं की एक बड़ी तादाद होती है और इनमें से ज्यादातर के घाव घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से होते हैं। हॉस्पिटल में हमारे कैजुअल्टी में करीब 40% महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से अफेक्टेड रहती हैं। औरतें पॉइजनिंग केसेस करके आती हैं, फ्रैक्चर केसेस आते हैं, वूंड्स रहते हैं, मुक्का मार जैसे चोट रहती है। प्रेग्नेंट महिलाएं भी आती हैं जो गिर गए बोलती हैं, और जनरली ये डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होती हैं। जब हमलावर कोई और नहीं अपना ही जीवन साथी हो तो महिलाएं खुद को अपने ही घरों में कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? तो दोस्तों इस हॉस्पिटल के कैजुअल्टी वार्ड में टाइफाइड टीबी मलेरिया या और अन्य बीमारियों की वजह से कम, घरेलू हिंसा की वजह से ज्यादा महिलाएं आती हैं। और ये सिर्फ एक शहर के एक इलाके के एक अस्पताल की बात है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत सन 2006 में भारत सरकार ने इसी विषय पर एक बहुत बड़ी रिसर्च की जिसमें यह आंकड़ा सामने आया। 40% औरतें ऐसी थीं जो घर में मारपीट की शिकार थीं, यानी घरेलू हिंसा की शिकार थीं, जिसे अंग्रेजी में हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। ये था गवर्नमेंट सर्वे यानी सरकारी सर्वे। अब मैं आपको बताता हूं कि प्लानिंग कमीशन के फंडिंग से युगांधर एजुकेशन सोसाइटी ने 5 राज्यों में इसी विषय पर एक और सर्वे किया। उसमें यह सामने आया 84% महिलाओं के ऊपर कभी ना कभी उनके शौहर या शौहर के घर वालों ने हाथ उठाया है।
युगांतर का आंकड़ा है 84% और सरकारी आंकड़ा है 40%। चलिए आंकड़ों में नहीं उलझते, दोनों के बीच का आंकड़ा लेते हैं 60%, या चलिए 50%। 50% का मतलब यह है कि हर 2 में से 1 महिला हमारे समाज में घरेलू हिंसा की शिकार है। मतलब घर के बाहर शायद ही आपको कोई छेड़े, शायद आप पे कोई हमला करे, लेकिन घर में तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि आप पर हमला होगा, आप पर हाथ उठेगा, 50% चांस है। दोस्तों ये तो थी आंकड़ों की बात, लेकिन जब एक पति अपने पत्नी पर हाथ उठाता है तो उस महिला पर क्या बीतती है, आइए एक महिला से ही जान लेते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी स्नेहलता जोश और उत्साह से भरपूर थी। कॉलेज खत्म होते ही परिजनों ने अपनी लाडली बेटी की शादी अपनी ही बिरादरी के एक होनहार युवक से कर दी। अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ स्नेहलता ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। हर लड़की की तरह स्नेहलता ने भी अपने आने वाली जिंदगी से कई उम्मीदें बांध रखी थीं। लेकिन नई नवेली दुल्हन के सपने शादी के कुछ ही दिनों में चकनाचूर हो गए। उसकी उम्मीदों का सूरज डूब गया। स्नेहलता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। धन्यवाद सर। मुझे बताइए कि शादी से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? शादी से पहले तो एकदम खुशियाँ खुशियाँ, मम्मी पापा बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे पापा, ज़्यादातर मेरे ऊपर ज़्यादा था क्योंकि लाडली बेटी थी मैं जी। आपका क्या अनुभव रहा जब आपकी ज़िंदगी शुरू हुई अपने पति के साथ? एक्सपीरियंस तो मीठे बोल तो छोड़ ही दो आप, बस ज़ोर से आवाज़ करके डराना, तो थोड़ा भी कुछ बोलते थे ऐसे में एकदम ही हो जाते, वो एंजॉय करते थे वो। पति ने तो शादी के तुरंत बाद बता दिया कि मुझे एज अ हस्बैंड कुछ पूछना नहीं है, कहाँ जाते हो, कितना कमाते हो, क्यों नहीं आते, क्या करते हो, शादी करके लाए हूँ, इस घर में रहना है नहीं रहना है आपका मर्जी। तो मैं खुश हो गई, मैं बोली अरे वाह, इतना सत्यवादी आदमी है मुझे मिला। बोलते ना एकदम वो इसमें रहते ना हम लोग उस यंग एज में पिक्चर स्टोरी बोलते ना ऐसे एकदम अरे वाह सच बोला ये वो सब, मैं खुश हो गई थी। लेकिन एक्चुअली कहानियाँ में अलग रहता है, एक्चुअली जो हम सहन करते थे बहुत रियल लाइफ में अलग होता है। क्या क्या करते थे वो? उनका तो पहला तो वही रहता था गुस्सा से, एक ही बार उनके मुंह से गंदी गालियाँ और हाथ ही उठता था उनके पास, छोटी से छोटी चीज़ कभी समझ में नहीं आता था कि अभी क्या होने वाला है। तो एक बार ऐसे कुछ चावल में चेंज हुआ था कि उनको जो चावल पसंद है वो नहीं बनाते हुए हमने दूसरा बनाया, तो खाना उनको परोसा, फटाक से आके उन्होंने मुझे एक जोर से थप्पड़ दिया, बच्ची थी मेरे हाथ में, तुरंत नीचे हाथ से गिर गए। लेकिन हर बार छोटी बात से हाँ, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत सारे पूरा 20 साल की जिंदगी में हर एक दो नया नया एग्जाम्पल्स मैंने देखे उसके। एक तो रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत थे, बाजू में किसी के साथ बात नहीं करने का, बाहर खड़ा नहीं देने का, कहाँ जाने का नहीं, हंसने का नहीं, बोलने का नहीं, टीवी नहीं देखने का, कभी ऑफिस निकली तो उसके मन में है नहीं जाना नहीं जाना, चलो बैठ जाओ घर में। आप काम करती थी? जी हाँ। कहाँ काम करती थी आप? प्रोविडेंट फंड ऑफिस में। तो सरकारी नौकरी थी आपकी? सरकारी नौकरी थी। वो तो पैसे दे कुछ देता ही नहीं था, वो बोलता था मैं पैसा देने वाला नहीं है, जो मैं देगा मेरी इच्छा मैं दूंगा। तो मेरी पूरी सैलरी मेरी ननद लेती थी, वो घर चलाती थी, सास बीमार रहती थी इसलिए। तो एक दिन एक बोलते बोलते ऐसे किसी से मेरे घर में मालूम पड़ा, तो भाई एक दिन आया तो आके उसने मेरे को बोला नीचे आ जा, नीचे गई, दादा ने मुझे पैसे दिए, पैसे लेके मैं आई, घर में आने के बाद सीधा बोलता है कि तेरे यार के साथ मिलने को गई थी क्या, उसके साथ क्या करने को गई थी? तो मैं बोली अरे मेरा भाई है, भाई हुआ तो क्या हो गया, वो तो पुरुष है। तो फिर वहाँ बोलता है तू किसी का नाम नहीं लेगी, मैके का नहीं, कोई तेरे घर में आएगा नहीं, कोई तेरे से बात नहीं करेगा। मैं तो जवाब मैं कभी उसको ना जवाब नहीं देती थी, एक था उसको उसको जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं था, जवाब देंगे तो और मारेगा और मारेगा। और गैलरी हम लोग कॉमन गैलरी में चौल में रहते थे, रात रात भर मुझे बाहर रखते थे, एक छोटी सी बात उसको उसके बोलते ना उसको नहीं अच्छी लगी या कुछ है तो तुरंत वो उधर से उधर फटाक से हाँ उधर ही चला। मतलब हाथ उठाना एक आम बात थी उसकी, उसके लिए कभी भी हाथ उठा सकता है, उसके लिए रीजन नहीं चाहिए था उसको, दूसरे दिन नॉर्मल हो जाता था, ये हो गई ना हाँ किया मैंने, इसमें क्या गलती है, मैं आदमी है उसका, मेरी औरतें में मार डालेगा कुछ भी करेगा,
तो एक बार ऐसे हमारे बाबाजू के रूम में शादी थी, तो हम लोग शादी से घर आए वगैरह, तो उनके लिए मैंने खाना पकाया था। तो इतने में ऐसे उनको खाना देने ही वाली थी, इतने में वो बैंड बाजा बजने लगा, तो सडनली मैं बाहर आ गई। बाहर देखने के लिए आप बाहर? हाँ, गैलरी में आ गई। तो धड़म धड़ आवाज आने लगा, कुछ फेंक रहे। मैं बोली क्या गिर गया? फिर मेरे को ध्यान में आया, मैं सहम गई। मैं बोली अरे बाप रे। मैं फटाक से अंदर गई और उसने एक मारा। बोलते किसको देखने गई थी? शादी में तो थी ना तू। मैं उसको उसके दिल में ऐसे कभी क्या आएगा बोल नहीं सकते थे, लेकिन उस दिन मैं बहुत डर गई थी। क्योंकि हो गया उस दिन सोई हुई थी मैं, फिर रात को ऑल ऑफ सडन ऐसे मेरे को ये हुआ। तो मैं बोली कौन से? तो ये पकड़ा रहता, तो गला पकड़ा दबाया। तो तुरंत सब उठ गए, ससुर वगैरह आ गए। ससुर बोले अभी तू एक काम कर, तू थोड़ा बाहर जाके रुक, उसको हम लोग सुलहाते शांत करते। दूसरे दिन सुबह मुझे बोला अभी तू निकल यहाँ से, आज तेरे को छोड़ने नहीं। पुलिस स्टेशन में जाके एनसी करा। ससुर ने आपको बोला? ससुर ने बोला। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करा? एनसी स्टेशन वाले मैंने बोले कि चलो हम लोग तुरंत उसको जाके पकड़ के मारते। बहुत डरी हुई थी ऐसे पूरा, तो मेरा प्यार उभर आया वो टाइम। नहीं 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 उसको मारो मत, खाली समझा उसको। एक्चुअली ऐसा लगता उसको एक बार मार पड़ती ना उसको, तो शायद मालूम पड़ता कि मारता क्या होते। फिर उस दिन मैं सीधी मेरे माँ के पास चली गई, फिर माफ़ी वगैरह मांगी कि ऐसे वापस दोबारा वो नहीं करेगा। वापस चले मैं वहाँ पे, फिर रिपीट ऐसे नहीं कि जहाँ स्टॉप, लास्ट तक जब तक मैं थी तब तक तो स्टॉप हुआ ही नहीं। आपने ये सब बर्दाश्त क्यों किया? मतलब जो मारते थे आपको वो? मैं सोचती थी शायद आज नहीं कल बच्चे होने के बाद ठीक हो जाएगा, आगे जाके ठीक हो जाएगा, कभी तो उसको मेरे अच्छाई की बोलते ना कदर हो जाएगी, कदर हुई कि मेरी औरत अच्छी है, मैं क्यों ऐसे करता हूँ। लेकिन कभी मैं कोशिश करती लगी आखिर। तो आखिर में फिर कैसे रुका ये? आखिर में हम लोग एक बार ऐसे मई महीना शायद था, 7th-8th में थी मेरी लड़की, हम लोग बेटी का ये बुक्स को ऐसे कवर लगाते बैठे थे। हम कवर काटने के लिए हम घंटा लाया, वो लड़की को वो जाके टीवी देखने लगी, तो उसको गंदी गाली देने लगा, बहुत गंदी गाली अपनी बेटी को। बेटी को तो मैंने इतना ही बोला कि उसको गंदी गाली मत देना, सिर्फ इतना ही मैंने बोला। उसने सीधा आके बोलता तेरे को अभी फिर कई चीज से काट डालेगा तेरा जी। मैं वहाँ से एकदम घिर भरी, मेरे को मालूम ही नहीं कि क्या। मतलब उसने जो आपको धमकी दिया आप बेहोश हो गए उससे डर के? मैं ऐसे समझ बैठे कि काट दिया उसने से। उसके बाद तबीयत एकदम ऐसे डाउन डाउन होती गई, बोलना भी बंद हो गए से। तो आप बोल नहीं पा रहे थे इस डर से? कि डर से कि नहीं बोल सकते। बाद में फिर हिंदुजा में मुझे एडमिट किया, उधर मुझे मेजर अटैक था, वो ब्रेकडाउन था एक किस्म से, टोटली ब्रेकडाउन था। फिर उस टाइम मैंने भी सोचा ये लास्ट ये है, बाहर निकली और फिर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया। बोला कुछ नहीं देगा तुझे, मतलब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं मैंने उससे लिया, सिर्फ डाइवोर्स लिया और बाहर निकली। इस वक्त आपकी शादी के कितने साल हो चुके थे? 15-16 साल तक आपने ये सहन किया? ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मैंने की बहुत गलती की उसको, मैंने उसको सपोर्ट किया। एक्चुअली बोलते ना गुनाह सहन करने वाला गुनहगार है, वो सच बात है। मैंने उसको गुनाह करने के लिए और आगे आगे बढ़ाया। आज आपको क्या लगता है जो आप बोल रही हैं मैंने गलती की, मतलब आपको क्या करना चाहिए था? बाहर निकलना चाहिए ना, जब ज्यादा होते जाता है, जब वो आपको मार रहे हैं। हाँ मार रहे, बाहर निकलो। दुनिया में बहुत सा ऐसे है कि आप इंडिपेंडेंटली आप जी सकते हो, समाज, लेकिन ऐसे वक्त आता है कि कोई किसी का नहीं रहता है। बहुत मुश्किल से जिंदगी मिलती है, उसको गवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मुझे बताइए कि आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं कविता लिखती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसके अलावा छोटे मोटे लेख लिखती हूँ पेपर में, जर्नलिज्म का काम किया है मैंने। तो आप पत्रकार भी हैं इस वक्त? जी हाँ, और उसमें फर्स्ट क्लास आई, 67 मार्क मुझे फर्स्ट टाइम। वाओ क्या बात। और आगे आपका क्या प्लान्स है, क्या करना है आपको आगे? आगे मुझे लॉ करना है, तो अभी ऐसे बहुत एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो सोचती हूँ मैं करती हूँ, होता है मेरे हाथ से। बिल्कुल,
वही जिंदगी और बहुत लंबी है, ये गया वो कुछ नहीं था, 16 साल क्या है, अभी तो बहुत सारी जिंदगी पड़ी है फिर। चलिए स्नेहलता जी, बहुत हिम्मत दिखाई आपने और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। दोस्तों आइए मिलते हैं हम अपनी दूसरी मेहमान से। एक सजा संवरा खूबसूरत घर, दो प्यारे होनहार बच्चे और एक अर्थपूर्ण जीवन। रश्मि आनंद न सिर्फ एक कामयाब लेखिका हैं, बल्कि वे दिल्ली पुलिस के महिला सलाह केंद्र में घरेलू हिंसा से जूझ रही महिलाओं और बच्चों की काउंसलिंग भी करती हैं। रश्मि खुद एक अरसे तक घरेलू हिंसा की शिकार रह चुकी हैं। इस खिलखिलाती हंसी के पीछे छिपी है एक साहस भरे संघर्ष की दास्तां। रश्मि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए किस किस्म के परिवार में आप पली बड़ी? बचपन में मैंने कभी एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाया था, बहुत ही नाजों से पला जैसे कहते हैं। तो एक अमीर खानदान की आप हैं। और फिर अरेंज मैरिज हुई, फिर शुरू शुरू में ही वायलेंस शुरू हो गई, दो तीन दिन में, शादी के दो तीन दिन के अंदर ही। जी, और मैं बिल्कुल जैसे दो तीन दिन में जब पहला हादसा होता है वो एकदम आपको जैसे आपका जो वजूद है वो ले जाता है, आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हो। और वो पहली बारी मेरे हस्बैंड बहुत रोए, मैंने बहुत गलत किया, फिर उसके बाद कम रोए और फिर और कम। और क्या वजह थी कि आपके पति आप पे हाथ उठाते थे? कोई कारण नहीं होता इसके लिए। तैयार नहीं हो तो थप्पड़ मारो, खाना नहीं ठीक है तो थप्पड़ मारो, और अगर गलती से भी कोई चीज़ की बहस कर लो वो तो फिर हड्डी पे ही निकलेगा। फिर जब मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो मुझे उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से नीचे सीढ़ियों से फेंका, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई बेबी, फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। और जैसे जैसे टाइम जाता गया वो हादसे और भी और बुरे होते गए और बढ़ते गए। जी, हर साल कोई ना कोई हादसा होता, हर साल कोई ना कोई हड्डी टूटती, लेकिन रहती गई, सहती गई, बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी, उसका फ्यूचर क्या होगा। और फिर मैं जब मेरी बेटी करीब 4-5 साल की थी उस टाइम मेरा फेस स्मैश हो गया, चेहरे पे मारा आपको? जी, हड्डियाँ टूटी। उस टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं रह सकती ऐसे। फिर मैं अपनी बेटी को लेके गई कलकत्ते जहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे। उसी दौरान माय हस्बैंड केम एंड सॉरी कभी नहीं होगा, और उन्होंने आके आपके मां-बाप से माफी मांगी, पैर पड़े, कभी नहीं ऐसे होगा, तो मैं वापस चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में एक डर बैठ गया था कि ये छोड़ देगी मुझे। अच्छा, अब वो थोड़ा डरने लगे कि सो He made sure that I was expecting again. बस फिर 2 बच्चे हो गए, फिर कहती गई अपने आप को बस अब तो 2 बच्चे हैं, अब कहाँ जाऊँगी उनको लेके। तो इसका आपके बच्चों पर क्या असर हुआ? छोटा वाला जो था लड़का वो बहुत सहम गया था, उसने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा देखा अपने बाप को, अपने माँ को मारते सब कुछ, और फिर उसने बात करना बंद कर दिया। उसके मानसिकता पे असर होने लगा बच्चे के ऊपर, 5 साल के बच्चे के ऊपर। उस टाइम मैंने सोचा बस और नहीं लूंगी, अगर मैं खुश नहीं हूँ मैं किसी को खुश नहीं रख सकूंगी, अपने बच्चों को तो डेफिनेटली नहीं। बिल्कुल, पहले मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि मैं अपने बच्चों को स्ट्रांग कर सकूं। जी जी, एक औरत जब अपने लिए जीती है ना तो सब कुछ बर्दाश्त करती जाती है, लेकिन अपने बच्चे को सफ़र जब देखती है सफ़र करते हुए वो बर्दाश्त नहीं होता। और मैं निकल गई, उसके बाद मैं वापस नहीं गई। मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ ट्राई करी मुझे वापस लाने की, मेरे बारे में इतनी चीज़ें
इन्होंने फैलाई, कैरेक्टर असैसिनेशन, वो तो एक नॉर्म है। तो मतलब पति के लिए ये सबसे आसान चीज होती है कि लड़की औरत जो है मेरी, इसको एक तो मैं मार रहा हूँ, जब वो बोलती है मैं तुमसे मार नहीं खाना चाहती हूँ, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, तो वो कहता है कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल दृढ़ थी कि मैं वापस अब नहीं जाना, मेरे को ये लिखवा लिया तुम कभी नहीं लड़ोगी, मेरे को कुछ नहीं दिया, मैंने हर चीज साइन कर दी। आपको बस छुटकारा चाहिए था कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप माफ करो। मुझे मेरे में हिम्मत भी नहीं थी लड़ाई करने की, मेरे बेटे की हालत इतनी बुरी थी, या तो मैं हील करती या मैं फाइट करती, उस टाइम फाइट की हिम्मत नहीं थी। अब आए तो बताऊं। जब मैं बाहर निकली बहुत तकलीफें पाई, पैसे के लिए बहुत तकलीफ थी, जितना मेरा अपना गोल था वो सारा मैंने बेचा, बच्चों को सेट किया पढ़ाई में। जी मैं तो सोचती हूँ कि जब भगवान एक हाथ देता है या दो हाथ देते हैं जो तुम्हें कुचलते हैं, तो 500 हाथ देता है तुम्हें मदद करने के लिए। एवरीथिंग दैट आई हैव कम थ्रू, सब ठीक है, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ एंड आई एम ओके। मुझे बताइए कि आपके पति की समाज में क्या एक छवि थी, लोगों को पता था कि आपको वो घर में आपके साथ ऐसा बर्ताव करते थे, आप पे हाथ उठाते थे? बहुत ही, ओ ये तो बहुत परफेक्ट कपल है, इससे अच्छा मैच तो है ही नहीं, वो यू नो। बट दरवाजे के पीछे क्या होता है वो खाली एक आदमी और एक औरत जानते हैं। आप कितने साल तक रही उनके साथ शादी में? 10 साल। 10 साल तक? 10 साल। मुझे बताइए कि आज आप कभी सोचती हैं कि काश मैं इस शादी से पहले निकल जाती? बिल्कुल, लेकिन हम औरतें एक अपनी इनसिक्योरिटी को हम अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, हम बोलते हैं ये मैं अपने बच्चों के लिए रुक रही हूँ, नहीं मैं रुक रही हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है। ये चीज़ कहते कहते हम अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं हमें अपने बच्चों को लेकर निकलना ही है, नहीं होनी चाहिए ये चीजें हमारे बच्चों से। ये मैं कोई चीज दोहराना चाहूंगा हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर आप बच्चों के बारे में सोच रही हैं तो सबसे पहले बच्चों की खातिर आप उस शादी से हट जाइए, उस इंसान से हट जाइए जो इतनी हिंसा आप पे कर रहा है, अपने बच्चों पे कर रहा है। मुझे बताइए कि पहली दफा जब एक मर्द अपनी पत्नी पर या एक बाप अपनी बेटी पर या एक भाई अपनी बहन पर हाथ उठाता है तो क्या करना चाहिए उस महिला को उस वक्त? पहली दफा ही रोक देना चाहिए, बाहर जाके बात करो और लोगों को बताओ उसके बारे में कि ये ऐसा कर रहा है। बिल्कुल, होने दो बदनामी। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर बारी जब एक आदमी वो हद क्रॉस करता है, अगली बारी वो और ज्यादा हद क्रॉस कर देता है। शुरू में रोक लगा दो। जी रश्मि, हमें बताइए कि आप बहुत सारी महिलाओं की काउंसलिंग भी करती हैं, उनकी मदद करती हैं, जब एक बच्चा हिंसा को इतने नज़दीक से देखता है अपने घर में तो उस पर क्या असर होता है, बच्चे पर क्या असर होता है? या तो वो मेरे बेटे के जैसे बिल्कुल सहम जाता है, वो एक एक्सट्रीम है। जो दूसरी एक्सट्रीम है जो मैंने देखा है, स्पेशली जो मेल चाइल्ड है, जो लड़का होता है, लड़का होता है, वो अपने बाप से नफरत करनी शुरू कर देता है। मेरे पास एक औरत आई थी, बहुत साल उसने अपने बाप को देखा अपनी माँ को मारते हुए। एक दिन उस बच्चे ने बेल्ट उठा के अपने बाप को पीटा। सबने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानती। पहले वो चीज़ होती है कि मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में हर रिश्ते के ऊपर वो हिंसा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, वायलेंस फिर एक इनहेरिटेड चीज़ हो जाती है, एक ही एक इनहेरिटेंस होती है हिंसा की, और वो है दुख। जी जी रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। आप पे जो बीती है वो सुनकर बड़ा दुख होता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज आपने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों में ली है, आज आप और महिलाओं को मदद कर रही हैं, उनकी सहायता कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। तो दोस्तों, हमने दो महिलाओं से बात की। ये महिलाएं समाज के अलग अलग तबकों से आती हैं, लेकिन दोनों की कहानी एक सी है। आंकड़ों में भी हमने देखा कि हर दो में से एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार है।
ये एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, मतलब ये कि हमारे देश में जैसे कोई जंग चल रही हो, सामाजिक जंग चल रही हो, जिसमें कि समाज का एक तबका, एक हिस्सा मर्दों का दूसरे हिस्से पर, औरतों पर हिंसा कर रहा है। चलिए कुछ मर्दों की भी आवाज़ सुन लेते हैं जो इस हिंसा के जिम्मेदार हैं। मैं सुबह 6 बजे उठ के भाजी लाने गया, फिर दोपहर को 1 बजे 2 बजे आया तो औरत मेरे घर पे खाट पे सोई है और मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, एक बात बताओ। मैं तो इतना मारा होगा अपनी ज़िंदगी में कि उसका दांत भी टूट चुका है, चलो उसका भी इंटरव्यू दिलाता हूँ आपको। पत्नी कुछ गुनाह करे अपने पति के साथ, टाइमिंग पे उसका कुछ इज्जत नहीं करे तो आदमी उसको मारता ही है। मैं पहले बोल कर रखा था कहीं जाने से पहले मैं बता के जाऊँगा, बीच में टोकना नहीं, टोकना मेरे लिए गुनाह है। मैंने मारा, ज़्यादा मार दिया मैंने, हॉस्पिटल में एडमिट भी किया उसके बाद में। कोई आदमी बिजी रहता है और बच्चे परेशान करते हैं तो वाइफ को ही बोलेगा ना, अपने बच्चे संभालो करके। मेरी वाइफ को जब मैं एक लाफा मारता हूँ तो वो नाराज़ हो जाती है, तो फिर उसको पान ला के खिला देता हूँ तो नॉर्मल हो जाती है भाई। तो 15 साल में आपने कितनी बार लाफा लगाया होगा? महीने की 1-2 बार पकड़ ही लो भाई, काहे को झूठ बोलूँ। 15 साल में 2 बार? नहीं नहीं, महीने में मंथली बताया भाई, मैं आपको साल ईयरली नहीं बताया। कहीं ऐसा हो गया कि अपने कोई बात बताया और उसके ऊपर कहीं अमल नहीं हुआ तो वैसे इसके अंदर गुस्से में आके कभी कभी हाथ उठाने की नौबत आई और हाथ उठाया। जो चीज़ करने नहीं बोलता है आदमी तो भी वो करती है, वो टाइम पे हाथ उठाता है कोई भी आदमी। बहुत गुस्सा आता तो मैं 2 थप्पड़ दे देता हूँ। दोस्तों ये सोच कहाँ से आती है, क्यों मर्दों को लगता है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो औरतों पे हाथ उठा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं? ये मानसिकता समझने के लिए आइए बात करते हैं कमला बसीन जी से, जो संगत नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और पिछले 42 सालों से महिलाओं के मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का कमला जी। मुझे बताइए कि ये सोच, ये मानसिकता कहाँ से आती है? इसको हम लोग अपनी जबान में कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच है। पितृसत्ता एक सोशल सिस्टम है जो औरत को कमतर समझता है, मर्द को बेहतर समझता है। जी जी, पितृशाही कह लें, पेट्रियार्की कह लें। जी जी, आप किस पर हाथ उठा सकते हैं? कोई मर्द अपने बॉस पर तो कभी हाथ नहीं उठाता, अपने से सीनियर पर तो उसका हाथ कभी नहीं उठता। जी, हाथ हमारा उस पर उठता है जिसको हम कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं। तो पितृसत्ता जो है ये सोच बाकायदा सिस्टमैटिकली रोजाना पैदा करती है। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूँगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है करवा चौथ का त्यौहार। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ नहीं रखते। आप हमारी जबान देख लें, भाषा देख लें, जिस आदमी से हमारी शादी होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं पति। जी, अब आप देखें पति का मतलब क्या, ओनर, मालिक, करोड़पति, जो करोड़ का मालिक है, करोड़पति, करोड़ का मालिक, करोड़ का मालिक, पति लाख का मालिक, बेशक। तो पति का मतलब स्वामी, मालिक। और लॉजिकली आप देखें कि अगर एक स्वामी है तो लॉजिकली दूसरा क्या है, दास है। आपकी जबान में हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए कोई और दूसरा लफ्ज ही नहीं है तो भाई क्यों ना मारे, वो मालिक है और मार के उसको ठीक जगह रख सकता है। तो इस सोच को कैसे बदलें? देखो जहां तक औरतों के सोच को बदलने की बात है, हम लोग बहुत सालों से उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से मेरी तो जो खास चीज है वो ये है कि अब लड़कों और मर्दों को बदलना होगा, क्योंकि मारता कौन है, मर्द। ज्यादा हिंसा कौन करता है समाज में, मर्द। और ये ऐसे पैदा नहीं हुए, ये कोई जिस्मानी चीज नहीं है कि मर्द है तो वो हिंसात्मक होगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ना बुद्ध होते ना महात्मा गांधी होते, और वो 60% मर्द जो नहीं मारते किसी को वो कैसे होते? वो तो मर्दी है, बिल्कुल, मर्द है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप उसको कहते हैं कि तू रोएगा नहीं, माँ मर जाती है मर्द नहीं रोते,
उनको लगता है उनकी मर्दानगी की, मर्दानगी के खिलाफ। अच्छा, मैं बहुत रोता हूँ, मैं आपको बता दूं। तो आप पूरे मर्द नहीं हो मियां, आपको कुछ करना पड़ेगा। मर्द दुनिया की हर चीज पर बात कर लेंगे, मगर अपने ऊपर, खासतौर से अपनी कमजोरी का बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मर्दानगी का मतलब है कमजोर न होना। मैं ये समझती हूँ कि पितृसत्ता मर्दों को डीह्यूमनाइज कर रही है, उनकी मानवीयता छीन रही है, उनकी इंसानियत छीन रही है। तो इसमें मर्दों का भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। मुझे ये बताइए कि अगर किसी औरत को मारा जाता है तो वो क्यों सह लेती है, वो क्यों फर्म स्टेप नहीं लेती? जिस कुएं से मर्द पानी पीते हैं उसी कुएं से हम औरतें भी पानी पीती हैं। तो अगर मर्द पितृसत्तात्मक हैं तो हम भी पितृसत्तात्मक हैं, क्योंकि हमें भी तो यही सिखाया है, हमारे मजहब ने यही सिखाया है, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है, परंपरा ने यही सिखाया है। तो हम भी ये समझती हैं कि हम कमतर हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि दोष मर्दों या औरतों का नहीं है, दोष पितृसत्तात्मक सोच का है जो हम सब के अंदर है। इसीलिए बहुत अधिकतर औरतें चुपचाप सह लेती। बिल्कुल। मुझे बताइए कि ये हर तबके में होता है? मिडिल क्लास में शायद ज्यादा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास में औरत को बोझ समझा जाता है। आदिवासियों में, काम काज करने वालों में औरत कहीं ज्यादा आजाद है। अगर वो पिटेगी तो वो चिल्लाएगी कि देखो मार रहा है। कितनी मिडिल क्लास औरतें हैं मध्यम वर्ग की जो अपने पति को जो चिल्लाएंगी और कहेंगी देखो मुझे मार, और उसको गाली देंगी। वो तो छुपाती है, इस बात छुपाती है, लग गया तो दूसरे दिन काला चश्मा लगा के जाएंगी कि नो आई फेल डाउन। कई औरतें कहती हैं कि वो तो मुझे प्यार करता है तो वो प्यार में मुझे मार रहा है, चूंकि वो मुझे प्यार करता है वो मुझे मार रहा है। ये क्या सोच है? तो फिर इसका मतलब है कि हम तो मर्दों को बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि हम उनको पीटते नहीं है सुबह शाम तक। तो अगर तुम प्यार करती हो तो उतना ही मारो जितना पति तुमको मारता है, तब तो उसको समझ में आएगा कि भैया मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बिल्कुल। हमें ये भी सुनने में आता है कि बहुत सारे मर्द सोचते हैं कि भैया हम दिन भर काम करके आते हैं तो हम बड़ी थकान लेके आते हैं, फिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा वो घर पे निकलता है और तो पे हमारा हाथ उठ जाता है। पहली बात तो आप देखिए, जितनी रिसर्चेज हुई हैं वो बताती हैं कि औरतें मर्दों से ज्यादा लंबे घंटे काम करती हैं। आप हर घर में देख लें कौन पहले उठता है और कौन बाद में सोता है। तो औरत मर्दों से 5-6-7 घंटे ज्यादा काम करती है हर जगह। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वो है रिसर्च। तो भैया कोई अगर थका हुआ है तो वो औरत है। इसके साथ साथ वो बच्चे पैदा करती है, बच्चों को संभालती है, इतनी इमोशनल जिम्मेदारी है। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये तो वही है भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पितृसत्ता की वजह से मर्दों के हाथ में लाठी है तो वो कुछ ना कुछ कह के उसका इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी तरह उसको जस्टिफाई करते हैं। कमला जी, मर्द ये कहते हैं कि वो पैसा कमा के घर लाते हैं, वो ब्रेड विनर हैं, तो लिहाजा उनको हक बनता है कि वो हाथ उठा सकते हैं। इसमें 2-3 बातें हैं। वो जो ब्रेड विनर है ना, वो लाता पैसा है। बच्चे पैसा नहीं खाते, बच्चे खाना खाते हैं। बच्चे पैसे पर नहीं सोते, बच्चे बिस्तर पर सोते हैं। तो औरत उस पैसे को खाना बनाती है, उस पैसे का बिस्तर बनाती है। तो मर्द और औरत दोनों मिलकर जब काम करते हैं तब परिवार चलते हैं। दूसरी बात, ये औरत की मेहनत है जो मर्द को दूसरे दिन काम पर जाने के लायक बनाती है। शाम को मर्द थका हुआ आता है, कहता है मैं डेड टायर्ड हूँ, तो उनकी थकान कैसे जाती है? उनकी बीवी उनके पैर धुलवाएगी, वहाँ से पिट के आए हैं, वहाँ से बेइज्जत होके आए हैं, तो वो उनके टूटे हुए अहम को दोबारा खड़ा करेगी, खाना खिलाएगी, मोहब्बत देगी, रात को मन उनका बहलाएगी, दूसरे दिन सुबह उनका नाश्ता देगी, उनके कपड़े चमकाएगी, उनके जूते चमकाएगी, तब वो एग्जीक्यूटिव अपनी नौकरी पर जाएगा या वो मजदूर अपनी नौकरी पर जाएगा। तो औरत के इस काम के बिना मर्द नाकाम है। मैं लोगों से अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में पूछती हूँ कि पितृसत्ता का उल्टा क्या है? आप बताएं पितृसत्ता का उल्टा क्या है? पितृसत्ता का मातृसत्ता।
टोटल गलत, टोटल जीरो गलत। मिला आपको जीरो मिला मुझे। देखो पितृसत्ता का उल्टा मातृसत्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पितृसत्ता गलत है तो मातृसत्ता भी गलत, मातृसत्ता भी गलत, बिल्कुल सही। तो पितृसत्ता का उल्टा है बराबरी। तो रियली मैं ये मानती हूँ कि ये जो लड़ाई है ये औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं, ये दो मानसिकताओं के बीच की लड़ाई है। एक सोच कहती है पितृसत्ता बेहतर है और दूसरी सोच कहती है कि दोनों एक ही है, बराबरी बेहतर है, दोनों बराबर है, बराबरी बेहतर है, बराबरी बेहतर है, बिल्कुल सही। जब तक घरों में बराबरी नहीं होगी सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती। तो सच्ची मोहब्बत के लिए जरूरी है पति देवों को बाहर भेजा जाए, जीवन साथियों को अंदर लाया जाए। और जब आप दोनों को साथी नुमा जीवन बिताते आपके बच्चे देखेंगे तो आपके बेटे दानव नहीं मानव बनेंगे और आपकी बेटियां दासियां नहीं बराबर की इंसान बनेंगी। वाह, तब मोहब्बत होगी। बहुत बहुत बहुत। मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग आप जैसी महिलाओं को कहते हैं कि ये एक्टिविस्ट लोग हैं और ये जो है समाज के खिलाफ हैं, घर तोड़ते हैं, होम ब्रेकर्स हैं, मतलब घर को तोड़ने का काम करते हैं, इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि अगर मैं बहुत बुखार में तप रही हूँ और डॉक्टर के पास जाती हूँ और डॉक्टर मेरा विश्लेषण करके कहता है कि कमला तुम्हें मलेरिया है, तो वो डॉक्टर मुझे मारना नहीं चाह रहा, मुझे संभालना चाह रहा है। तो अगर हम दिखाते हैं ये तस्वीर समाज की कि देखो घरों में ये हो रहा है, तो आपकी कोशिश ये है समाज हेल्दी हो जाए। बिल्कुल। कमला जी मुझे बताइए घरेलू हिंसा को लेकर एक दो तीन चीजें खास हम क्या कर सकते हैं? कई स्तर पर काम करना पड़ेगा जी। सबसे पहले तो बेटियों को हम ऐसे पालें कि वो अपनी इज्जत समझें, दूसरे लोग उनकी इज्जत करें, दूसरा उनको पैर इतने मजबूत दें कि वो कभी भी डर की वजह से किसी शादी में दबती ना रहें, पिटती ना रहें, मरती ना रहें। उस बच्ची को इतना विश्वास दिला दें कि अगर मैंने इनसे कहा कि मैं घर में पिट रही हूँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वो छाती पर हाथ धर के उसका बाप कहे बेटा तू घर वापस आ जा, तेरा घर है ना। हाँ, हम ये बच्ची को ना कह के बोलें कि भाई जाओ आप किसी तरह एडजस्ट करो, ये बिल्कुल, जब भी कभी उनको मुसीबत होगी हमें उनके लिए होना चाहिए। तीसरा, हमें दहेज मत दो, प्रॉपर्टी दे दो। दहेज मत दो मतलब घर का 5% पैसा देके हमें भेज देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे भाई को 95% मिल जाता है, तो प्रॉपर्टी बेटियों को दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर होती है घरेलू हिंसा और परिवार उनको नहीं वापस लेते, तो सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि शेल्टर होम्स हो ऐसी औरतों के लिए, ऐसी औरतों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइंस हो कि तुम फोन करो और हम तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएंगे, क्योंकि तुम जब पिटती हो पूरे हिंदुस्तान की इज्जत घटती है। वाह क्या बात है। तो वो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी हमारे साथ बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले मेहमान से। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और इंसाफ दिलवाने के लिए सन 2005 में एक कानून पास किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हरियाणा के भिवानी जिले में कई महिलाओं को इस कानून के जरिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत मिली है और ये मुमकिन हुआ है वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बी सतीश बालन की कोशिशों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का मिस्टर बालन। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा डीवी एक्ट के बारे में कि जो डोमेस्टिक वायलेंस या औरतों पे जो हिंसा होती है तो कानून क्या कहता है उसके बारे में, क्या क्या सुविधाएं हैं कानून में औरतों के लिए, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। अब तक जो बात हो रही थी जो औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में, उसमें हमेशा ही हमने एक रिलेशनशिप को ही मेंटेन बात करते आए हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ उन्हीं के बारे में जी। लेकिन फर्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डेफिनेशन है सिर्फ यहाँ पे औरत है, तो मतलब माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बहन हो सकती है, लड़की हो सकती है, लिविंग टुगेदर पार्टनर हो सकती है, तो कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है जो इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है। यस। सेकंड, जो सबसे पहले जो
औरत के साथ जो अत्याचार होता है, सामान बाहर फेंक के घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकाल देते। सो इस एक्ट के तहत नो, किसी ने भी औरत को घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो सारी महिलाओं को ये दोहराना चाहूंगा मैं कि घर चाहे आपके पति के नाम पे हो या पति के परिवार के किसी सदस्य के नाम पे हो, अगर आप उस घर में रह रही हैं तो आपको उस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये कानून कहता है, डीवी एक्ट कहता है जी। इसके अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होते हैं, कोई भी महिला जो पीड़ित है वो इधर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है या फिर वो CJM के पास पहुंच सकती है। CJM मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठते हैं उनके पास जा सकती है, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर वो CJM करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप महिला हैं और आप पीड़ित हैं तो आपको वकील रखने की जरूरत नहीं है, वकील की बड़ी बड़ी फीस देने की जरूरत नहीं है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ये सारा काम आपके लिए करता है बगैर पैसे लिए। कोई भी ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऑर्डर को कोई भी आदमी वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मेरा पति मुझे इतना मार रहा है, मैं डर रही हूँ उसके साथ रहने में, कानून कहता है कि वो मुझे घर से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं डर रही हूँ कि अगर मैं घर में रहूँ उसके साथ तो वो मेरी जान नहीं ले ले, मेरा हाथ पाँव नहीं तोड़ दे, तो मैं क्या करूँ? उसके लिए एक प्रोविजन है, वो शेल्टर होम या प्रोटेक्शन होम कहते हैं, हर जिले में हेडक्वार्टर में एक शेल्टर होम या प्रोटेक्शन होम वो जिले है। यस दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि बहुत सारे राज्य अभी तक हैं जहाँ पर शेल्टर होम्स की संख्या बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में है, और इसमें सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। ये तो हो गई बात कि कानून क्या कहता है, अब मैं आपके अनुभव के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो 10 में से ऐसे कितने केसेस होते हैं जो घरेलू हिंसा को लेकर औरत आती है आपके पास? अगर 10 है तो कम से कम 5 से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। दोस्तों अक्सर हमारी सोच ये होती है कि पुलिस का काम है कि चोरों को पकड़ना या डकैती को पकड़ना, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा उसको पकड़ना, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं SP साहब हमें बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा केसेस उनके सामने ऐसे आते हैं जो घरेलू हिंसा के होते हैं, जिसमें पति देव जो है वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। और उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आपके सामने आते हैं? आपके और भी पुलिस वाले कंप्लेंट्स को लेते होंगे, आपका आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके अनुभव में क्या क्या सामने आया? वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये भी मस्कुलिन फोर्स है, पुलिस में भी ज़्यादातर मर्द ही हैं, मर्द ही हैं, जो समाज की सोच वही उन्हीं की सोच भी होती है जी, उनकी भी रेस्पॉन्स यही होता है, तो एडजस्ट करके रहो। पुलिस वाला आमतौर पे बोलता है एडजस्ट करके क्या थी, जैसे आपने बताया कि पहले वो जाती है अपने पेरेंट्स के पास, और दूसरा अपने एल्डर्स पंचायत लेवल पे कुछ कोशिश करते हैं इनका समझौता कराने की। जब ये सारी बातें फेल हो जाती है, कामयाब नहीं होते हैं, तब वो पुलिस के पास आते हैं, तब भी अगर यही जवाब मिलेगा तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। देखिए एक महिला के लिए पुलिस तक जाना बहुत मुश्किल बात होती है, जब वो पुलिस के पास पहुंचती है वो इस उम्मीद के साथ पहुंचती है कि उसे सुरक्षा मिलेगी पुलिस से, लेकिन आपके अनुभव से उसको वो कम मिलता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है हरियाणा में, हम संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को हर समय पे, वी आर ट्रेनिंग रीट्रेनिंग करते रहते हैं, बट जेनेटिक मेमोरी है जी जी, इसको मिटाने में सालों से ये एक सोच चली आ रही है, तो आप जो कोशिश कर रहे हैं ये सोच को अपने डिपार्टमेंट में हटाने की, ये बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, और हम आपको सलाम करते हैं बालन साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होते हैं। एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी शन्नो का निकाह अपनी ही बिरादरी के एक परिवार में हुआ था। घर की चार दीवारी में बंद रहना, पति की हर ज्यादती को बर्दाश्त करना, एक दौर था जब यही शन्नो की जिंदगी थी। एक लंबे अरसे तक घरेलू हिंसा को सहने के बाद आखिरकार शन्नो ने अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी। दबी सहमी लाचार शन्नो बन गई शन्नो ड्राइवर। शन्नो जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए, घरेलू हिंसा का सामना आपने भी किया, बहुत सालों तक किया, उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगी?
सर मेरी शादी 1992 में हुई थी और फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट साल में मेरी एक बेबी हो गई थी. उसके बाद सेकंड बेबी जब मेरी हुई थी तो एक दिन मेरी छोटी बेटी को बहुत फीवर हो रहा था, बहुत बुखार था, तो मैं उसके कपड़े चेंज कर रही थी और मैंने दरवाज़ा खोलने में सिर्फ 2 मिनट लगाए थे. वो 2 मिनट के पीछे ना उन्होंने पहली बार मुझे इतना मारा था कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था. और यहाँ तक कि मेरी जो बड़ी जिठानी है वो भी रोने लगी थी कि छोड़ दो इसको, मत इतना मारो. उस दिन से हिंसा बहुत दिन पे दिन बढ़ती चली गई, काफ़ी दिन. और हर रोज़ एक नया खौफ रहता था कि वो आएंगे तो लड़ाई होगी, कलेश होगा, गालियाँ दी जाएंगी. मैं कभी अपनी फैमिली में बोल नहीं पाती थी. अपने माँ बाप को, अपने परिवार को आप बोल नहीं पाती थी? जी. और मेरे पापा इतना मुझे प्यार करते थे क्योंकि मैं 3 भाइयों के बाद हुई थी, दुआओं की थी. तो बेशक मैं गरीब घर से थी लेकिन मैं बहुत लाड प्यार से पाली गई थी. उसके बाद जब शादी के बाद ये सब चीज़ें देखने को मिली और मारदात तो रोज़ाना दिन पे दिन आए दिन महीनों सालों मैंने बर्दाश्त करती रही. एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा पत्थर उठा के मेरे सर पे मारा और मैंने ऐसे हाथ रखा, मेरे ऐसे ब्लड चालू है, पूरा मैं नहा गई थी. जैसे मेरे हाथ में खून दिखा, पता नहीं अंदर से मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम कि खुदा ने ऐसा मुझे उस दिन कहाँ से इतनी हिम्मत दे दी कि मैं कुछ भी नहीं कहने वाली औरत और बहुत कुछ कर गई. मैंने अपना सीधा हाथ उठाया और उनके मुंह पे कस के मारा. मैंने हुआ दर्द तो मुझे भी होता है. आपने जब अपने पति को एक दफा मारा उसके बाद आइंदा कभी भी उन्होंने आप पे हाथ उठाया नहीं? तो वो रोज मारते थे आपको लेकिन एक जब आपने थप्पड़ मारा उसके बाद उनकी मार बंद हो गई? जी सर. आप लोग सुन रहे हैं, महिलाओं को मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग सुन रहे थे कि शन्नो जी ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा. आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने उसके बाद आप पे हाथ नहीं उठाया? क्योंकि उसके गाल पे दर्द हुआ होगा ना. ये बहुत अहम बात है सारी महिलाओं के लिए जो इस चीज से गुजर रही हैं. हम ये नहीं कहते कि आप हाथ उठाइए किसी पर जी. लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप उस इंसान को ये आप उसको जाहिर करिए, बहुत ही खुले अंदाज से जाहिर करिए कि अब मैं ये नहीं सहूंगी. जी सर. फिर क्या हुआ? फिर कुछ साल अच्छे से थोड़े से फिर गुजरने लगे तो अल्लाह ने उनको उठा लिया था. अल्लाह ने इस धरती से बुला लिया तो फिर तो मैंने सोचा मैं क्या करूं. हालांकि मुझे पैसा भी कमाना है तो अपने बच्चों को पढ़ाई भी देनी है, देखभाल भी करनी है बच्चों की. तो मेरी बेटी की जो टीचर है उसने एक पैम्पलेट दिया आज़ाद फाउंडेशन का, तो मैंने पढ़ा. मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना है क्योंकि मुझे ड्राइवर बनना ही था. तो ये पैम्फलेट में लिखा था कि वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे आपको? जी. लेकिन थोड़ा यहाँ तक कि 6 महीने कहाँ जो अपनी जिंदगी के 6 महीने आपको ट्रेनिंग में देना है, उस वक्त आप कमा नहीं पाएंगी. जी. तो मेरी बड़ी बेटी को पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन उसने बहुत सारे बच्चों को टीचिंग यानी कि ट्यूशन देती थी. ट्यूशन्स के लिए वो देती थी. और मेरी फ्रेंड है सना, उनके यहाँ कुकिंग करके आती थी. तो आपकी बेटियों ने काम किया? जी सर. उस दौरान? जी सर. ताकि आप ड्राइविंग सीख सके? जी सर. और इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों का तो करते ही करना है, फर्ज है उनके पे. लेकिन मैं एक इतनी खुशनसीब माँ हूँ कि जब मुझे बच्चों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया. वाह क्या बात, क्या बात. और मैं ड्राइवर बनी और ड्राइवर बनने के बाद मैंने जब दिल्ली पुलिस से सेल्फ डिफेंस सीखा, सबसे बड़ी बात मेरे को जो वहाँ से मिली कि अपनी सुरक्षा कैसे खुद करना. जी सर. वो ट्रेनिंग मिली आपको? वो ट्रेनिंग मुझे दिल्ली पुलिस से. दिल्ली पुलिस से. तो मुझे बहुत मतलब उससे आत्मविश्वास जो मेरा था, कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? यस सर. कहाँ तक मैं पुलिसों से ना भी बात नहीं कर पाती थी, अभी अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस आ जाए चाहे मनी स्टेटर आप सामना कर सकती हैं किसी का भी. जी बिल्कुल. मैंने किया है. तो ड्राइवर बनने के साथ साथ मैं बहुत मजबूत इंसान भी बनती जा रही हूँ. वाह. पहले मैं पहचानी जाती थी अपने वालिद के नाम से, अब शादी हो गई तो शोहर के नाम से. अब जो मेरी पहचान है वो है मेरे ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ, शन्नो ड्राइवर. वाह क्या बात है. अब आप क्या सोचती हैं कि जो समाज है, समाज की तरफ से क्या क्या चीज़ें आती हैं औरतों पर,
आपको क्या लगता है? समाज की तरफ से यही रहता है कि भैया आदमी पहले है और औरत बाद में है। आदमी खुला कहीं भी कुछ करके आता है, उसको नहा धो के वो नमाज के लिए खड़ा जाता है, और औरत जब रहती है तो उसके लिए हजार बातें खड़ी होती हैं कि इसकी आवाज़ तेज़ हो गई थी, अगले पड़ोसी ने सुन ली। जबकि हमारी हदीस में, हमारे कलाम पाक में ये लिखा है कि पहले औरत की बना दिया, पहले औरत को सलाम करो, पहले औरत को रखो, लेकिन समाज में आने के बाद वो बात कलाम पाक की भूल जाते हैं। मतलब औरत की इज्जत अहम है हर मजहब में, हर धर्म में। सर समाज में पहले तो सबसे पहले ना धर्म की बात ही आ जाती है कि औरत को बुरके में रहना चाहिए, औरत को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, औरत की आवाज़ तेज नहीं होनी चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए। और एक टाइम ऐसा था कि मैं भी इतना बड़ा घूंघट रखती थी, और कुछ हिंसा के पीछे ही मैंने वो घूंघट हटा दिया था। शौहर ने कहा था तुम घूंघट करोगी तो आओगी वरना नहीं आओगी। मैंने कहा मैं घूंघट नहीं करूंगी, चाहे मुझे जिंदगी भर छोड़ दो। वाह, क्या बात। आज बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा की इस वक्त शिकार हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं यही कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको मारने की जरूरत हो, लेकिन रोकने की तो जरूरत है। आप जरूरी नहीं है कि एक डंडा लेंगे या मेरी तरह थप्पड़ मारेंगे। वो थप्पड़ मैंने कभी मारने की सोची नहीं थी, वो क्यों उठा और कैसे उठा मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन उसको रोकने के लिए आपकी अपनी हिम्मत की ज़रूरत है। जब तक आप खुद नहीं बढ़ेंगे दूसरा कोई नहीं बढ़ सकता, और कोई आपको आगे बढ़ा भी नहीं सकता। खुद अपनी आत्मा को निकालना पड़ता है। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, हम लोग अब जुड़ते हैं थ्री चिलिंग के जरिए शन्नू जी की टीम के साथ और मीनू वडेरा जी के साथ, जो आज़ाद फाउंडेशन चलाती हैं, जो इस वक्त हमारे साथ बात करेंगी। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? हाय। कांग्रेचुलेशंस मीनू जी, बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। मुझे बताइए, आमतौर पर जब महिलाएं आपके पास आती हैं तो वो किस स्थिति में होती हैं? करीब 95% ऑफ महिलाएं जो हमारे यहाँ आती हैं किसी ना किसी प्रकार की हिंसा की शिकार होती हैं। बहुत बार लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि महिला ड्राइवर सड़क पे गाड़ी चलाएगी तो उसकी सुरक्षा का क्या होगा, और हमारा ये कहना है कि जिस तरीके की हिंसा वो अपने घरों में सहन करती हैं उसके बाद सड़क की हिंसा को तो वो आराम से संभाल सकती हैं। जी जी, बिल्कुल सही। एंड हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है कि अगर हम अपनी महिलाओं के नज़र से देखें तो शायद जो हम कहते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो अभी हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वर्ग है ये जिसके लिए आज़ादी अभी दूर है। अभी दूर है। बिकॉज हिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मारपीट, इट्स ऑल्सो कि घर से निकलने नहीं देना, कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन सी नौकरी करनी है, जब मन है तो बिठा देना है। तो इट्स अमेजिंग जो एक परिवार की डिज़ायर है महिलाओं को कंट्रोल में रखने की, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि वो किस तरह से उनको आगे बढ़ने से रोकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मीनू जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइंदा जब भी मैं दिल्ली आऊँ तो मैं चाहूँगा कि मैं आपकी संस्था की गाड़ियों का इस्तेमाल करूँ और शन्नू जी मेरे लिए गाड़ी चलाएं। हमारी पूरी टीम विल बी रियली हैप्पी आपसे अगर आप ऐसे करेंगे तो। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का, जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू शन्नू जी, वाकई बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करने का, दिल खुश हो गया। और प्लीज़ हमारी तरफ से सलाम कबूल कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दोस्तों, घरेलू हिंसा का जो मर्ज है वो हम मर्दों के वजह से ही शुरू हुआ है। इसके जिम्मेदार हम मर्द ही हैं और इसका इलाज भी हमें ही निकालना है। यहां आज मेरे सामने 100 से ज्यादा मर्द मौजूद हैं। आप में से कौन मुझे बताएगा कि इसका इलाज क्या है, बताइए। हाँ हाँ, आप बोलिए। वहाँ एक्चुअली सर, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक टीचर है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन मैंने उनसे पूछा यही सवाल कि आप तो पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी आप ये सब क्यों सहती है? तो उन्होंने कहा बेटा ये संस्कार है जो मेरे बाप ने मुझे दिए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई इलिटरेट नहीं है, ये वो नहीं है, कोई मजबूर नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो ये संस्कार दिए जाते हैं ना, खास कर के लड़कियों को, ये एक बेड़ी बन जाते हैं। और कोई मुझे बताएगा? हाँ हाँ, इस पूरे हिंसा का मसला जो है वो मर्दानगी के साथ जुड़ा जाता है। मर्दानगी की कंसेप्ट जो है, संकल्पना, हमेशा रिस्क, वायलेंस और परफॉर्मेंस से जुड़ी है। रिस्क जैसे कि जो वाशी के ब्रिज से ट्रेन के ऊपर खड़ा बटन खोल के जा रहा है
वो असली मर्द है। दूसरा वायलेंस से जुड़ा हुआ है, मतलब जब तक आप मारते नहीं हो पीटते नहीं हो आप मर्द नहीं कहलाते टाइप का एक नजरिया सोच है। और तीसरा परफॉर्मेंस को लेके है, मर्दों को काफी तनाव है समाज में कि वो परफॉर्म करे मर्द की तरह, जैसे कि 40 किलो का भी अगर कोई बंदा हो ना तो चलते हुए ऐसे तन के चलेगा। ये तनाव है, ये जो देख रहे हैं ना हम, ये तनाव है हमारे शरीर पर, ये मर्दानगी का, कि हम दिखाएं कि हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम पुरुष दिन में सत्ता का अनुभव भी करते हैं और सत्ताहीनता की अनुभव भी करते हैं। तो मैं अगर मंत्रालय में काम करता हूँ और विरार में रहता हूँ तो जाते हुए हर एक महिला को नहीं पीटता हूँ, नहीं, या किसी महिला सेक्रेटरी को जाके नहीं पीटता हूँ। विरार में अंधेरे में लाइट चली जाती है तो जॉइंट फैमिली है तो उसमें से अपनी वाली बीवी को पकड़ के उसको मार्केट मारता हूं, उसको मारता है वो। तो उसको जहन में बिल्कुल उसके सेंस है कि मेरी सत्ता कहाँ पे चलती है। मुझे लगता है कि हमें मर्दानगी की डेफिनेशंस को फिर बदलना से होगा, फिर से बदलना होगा। एक मर्दानगी नहीं हो सकती है ना दुनिया में जी, तो कई मर्दानगियां हो सकती है। ऐसे कई सारे मर्द हैं, पेड़ों को पानी दे रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, फूलों की चिंता कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारी मर्दानगियों को शायद हमें ढूंढना होगा और उनको विजिबल बनाना होगा। जो शायद मेरे सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने गांधी जी का है जी, कि उन्होंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया और वो हमेशा हिंसा के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उनसे मजबूत मर्द कोई नहीं है। और बदलाव के लिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे मुझे लगता है कि ये सोचो उसके बारे में, सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह का पुरुष बनना है कि हम चार दिन छुट्टी पे गए तो हमारे घर वाले कहें कि यार अच्छा हुआ ये चला गया है ना, सुकून आ गया। हमको ऐसा पुरुष बनना है, हम कैसे बाप बनना चाहते हैं, हम घर में चले जाए, घर में घुसे तो हमारे बच्चे चूहे बन जाए, कॉकरोच बन जाए, यहाँ छुप जाए। पिता के लिए सबसे गर्व की बात ये होती है जब वो घर में आता है तो बच्चे उसको गले लगाते, पत्नी खुश होती है कि आप घर आ गए, कि ये कि यार चलो चार दिन गया तो चार दिन मेरी पिटाई नहीं होगी, अच्छा हुआ चला गया, अब थोड़ा मैं फ्री हो गई हूँ, टीवी ऑन करती हूँ। हमारे पिताजी के साथ हमारे रिलेशन कैसे है जरा हम याद करके देखे, वो कायम तनाव वाले रहे। मेरे पिताजी 76 साल के हैं, मैं एक बार उनको झप्पी आपने एक दफा लिए सिर्फ, अच्छा एक बार भी नहीं ली, 10 साल कोशिश कर रहा हूँ बात नहीं बनी। तो ये रिलेशन मेरा और मेरे बेटे का नहीं होगा, हमें किस तरह का बाप बनना है, व्हाट आर वी लूजिंग एज मेन, वी आर लूजिंग गुड रिलेशंस, हम हिंसक है, हमारा रिलेशन खराब है, हम हारते जा रहे हैं। इस आइडिया के साथ रहो यार, बदलाव की आइडिया इतनी खराब नहीं है। रुका हुआ पानी ना बू मारता है, गंदगी मारता है, बहते पानी गंद नहीं मारता है। पुरुषों को यह समझना है बदलाव तो होना ही है, आपकी मर्जी हो चाहे आपकी मर्जी ना हो, और नहीं है तो आप शन्नो जी हैं, उनके हाथ है और वो आएगा। मैं पहले हिंसा के बारे में सोचता था तो ऐसा लगता था कि अरे जो मर्द बीबी को नहीं मारता वो मर्द कैसा होगा और पति नहीं कहलाएगा, और जो बीबी मार नहीं खाती वो पत्नी कैसे कहलाएगी। और जब से मैं कुछ कुछ पढ़ने लगा और मैं खुद सोचने लगा कि मैं उस औरत की जगह में जाके बैठा और क्या महसूस होगा, और कोई घर में का कोई भी आदमी मुझे मारा तो मैं क्या महसूस करूँगा। तो ऐसा सोचते सोचते मुझे लगा कि ये हिंसा बहुत ही खतरनाक है, और जिस जगह में औरतें बैठती है वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा सुन लूँ मेरी बीवी का कुछ जो भी मायने है, और जो भी बात करेगी उसको मैं गौर किया और उसके साथ आनंद से रहने लगा। अभी तो मैं बीवी को कभी मारता नहीं है, और गुस्सा तो आता है किस किस बात पे, पर गुस्सा रोकने की बहुत सारे तरीके भी सीख चुका सामने है, कभी पढ़ लेना है, कभी उल्टी गिनती करना है, ऐसे बहुत सारे। तो अब मैं बीवी को मारता भी नहीं, और घर में अब मेरी इज्जत ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई है और मैं अभी खुश रह रहा हूँ। क्या बात, जो प्यार से भरा है वही तो परिवार है, जो फूल सा खिला है वही तो परिवार है, परमेश्वर बना घूमे पति वो बेकार है, जो दोस्त बन निभाए वही तो सच्चा यार है। वेलकम बैक दोस्तों, हर हफ्ते हम देश से एक सवाल पूछते हैं और आज का हमारा सवाल है, क्या एक महिला पर हाथ उठाना मर्दानगी की बात है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने मोबाइल फोन पर वाई टाइप करके इस नंबर पर भेजिए,
5782711। अगर आपका जवाब ना है तो छाती ठोक के एन टाइप कीजिए और इसी नंबर पर भेजिए। इस एसएमएस को भेजने का खर्च सिर्फ ₹1 है। आपके एसएमएस के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद, वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को दिया जाएगा, आज़ाद फाउंडेशन। ये वही संस्था है जो मीनू वडेरा जी चलाती हैं, जिनके साथ हमारी बातचीत 3G लिंक के जरिए हुई और जिससे शन्नो बेगम भी जुड़ी हैं। हमारी गुजारिश है आपसे शन्नो जी के, हमारी तरफ से ये जो भेंट है वो आप कबूल कीजिए। आप एक से ज़्यादा SMS भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर आप अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको एक्सिस बैंक की हर शाखा पर मिलेगी। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो SMS के जरिए हो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। दोस्तों, शादी वो रिश्ता है जिसमें दो इंसान जीवन साथी बनते हैं, मैं और तुमसे हम बनते हैं, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी गृहस्थी। कैसे एक साथी दूसरे साथी पर हाथ उठा सकता है? शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, एक पाक रिश्ता माना जाता है, और जब एक साथी दूसरे साथी पर हाथ उठाता है तो वो पवित्रता की दहलीज को तोड़ता है, रिश्ते को नापाक करता है। हम भगवान को, अल्लाह को साक्षी मानकर इस रिश्ते की शुरुआत करते हैं। क्या यही इज्जत है हमारे दिलों में? आपके और मेरे, हम सब के परिवारों से ही मिलकर देश बनता है। परिवार स्वस्थ और खुश होगा तभी देश स्वस्थ और खुश होगा। आइए इस देश की नींव को और मजबूत बनाएं। जय हिंद, सत्यमेव जयते। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का, तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का। सितम के अंधेरों में सदियों है बिलखी, मासूम भोली वो प्यारी खुशी, खुट खुट के कब तक जीऊंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, वार ये प्यार का कैसा सिला है, सह जो गए बारंबार मिला है, वार ये प्यार का कैसा सिला है, सह जो गए बारंबार मिला है, जुल्मी नकाबों के पीछे छुपा है, कायर सा चेहरा दिल से दुखी, जुल्म नाब मैं सहूंगी सखी, गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम